विसाओ दान हुंदा की है। विसाओ दा अर्थ है विश्वास दा दान। भाई पिंदरपाल सिंह जी ने अपनिया किताबों च इहदा इह भी लिखिया विसाओ दा अर्थ है यकीन दा दान। यकीन हो गुरु ते, विश्वास होना अपने गुरु ते। विसाओ दान की है कि साढ़े अंदर एक विश्वास होना मेरा गुरु पूरा है। एक महापुरुषों के बचन ने कहते विसाओ दान तो बिना परमार्थ के रस्ते ते चलिया ही नहीं जा सकता। आखो सतना विसाओ, विश्वास ना हो अपने गुरु ते परमार्थ के राह पर बंदा चल ही नहीं। एक होर महापुरुषों के बचन ने जिन्होंने विसाओ दान का डंडा हाथ च फड़िया है वो एक दिन मंजिल ते जरूर पहुँचना। साढ़े बाबा जी कहते सब तो भैड़ा दिन वो होंगे जिस दिन अपने गुरु ते तरेड़ आ जाए। ता ही अरदास मंगया जाता भी महाराज मेरे जिन्हें सुवास ने यह दात झोली च पाई गुरु घर तो मेरा विश्वास ना टुट। किसी होर चीज तो जदों असी प्रभावित हो जाने तो उदों भी यह विसाओ दान टुटदा। यह सतगुरु धूरी च बैठा मैं, ये 9 साल पहली गल है मेरे अपने घर का किसी ने बूआ खड़काया सी बड़ी तेज। इतनी तेज बूआ किने खड़काया? मैं जो बूआ खोलिया उन्हें आख्या सी जल्दी करो जल्दी करो। मैं की होया मैं कहन लगा मसाणा विच कोई 130 साल दे उन्हें महापुरुष किया संत किया कोई शरीर किया। कहिंदा 130 साल दे कोई मसाणा विच शरीर आए ने। मैनूं कहिंदा बड़ी दुनिया दर्शन कर रही चले ना जान। कहिंदे तुसीं भी दर्शन कर लो। आखो सतनाम। दास ने उन्हूं हाथ जोड़ के बेनती की। मैं कहा महापुरशां दा सत्कार मैं भी करना, यह नहीं कोई निरादरी। पर मैं कहा जिनी तैनूं काली है ना, मैं कहा मैनू वो कोई काली नहीं। जिस गुरु नू लभना है वो लभ चुका। आखो सतनाम। कोई सहज सवाल लाइफ महापुरुष आते ने असी सत्कार सब का करते हैं, पर जिस भावना ना तू जा रहे हैं ना रह ना जायो। मसाणा चुने चल जाओ 130 साल की उम्र कर लो। मैं क्या गुरु ने कृपा की है जिथे टिकाणा सी टिका दिता हो। आखो सतनाम। निरादरी भी किसी की नहीं, पर जो तेरे अंदर काली बनी पई है तू जा भाई सानू नितनेम कर लैण। कई बारी अपने गुरु लई तुहाडे अंदर त्रेड़ आ जाए तो समझ लो अजे विश्वास का दान नहीं मिलिया। तो कई बारी तुसी किसे होर तो प्रभावित हो जाओ हर जगह पर झोली अड्डन लग पो तो तभी समझ लो अजे अपने गुरु ते विश्वास का दान मिलिया ही नहीं। एक होर महापुरशां दा बचन है कहिंदे रब दे दर्शन विसाओ दान तो बगैर हो ही नहीं सकते। आखो सतनाम। ये भी महापुरशां दा बचन है। वो बचन है कहिंदे विसाओ दान दा दर्जा अपने गुरु ते विसाओ दान दा दर्जा सारे ज्ञान ते सियाणपां तों उपर। आखो सतनाम। भाई वीर सिंह जी दे बचन ने कहिंदे गुरु नानक दा दया दा रूप ते सारयां नूं प्यारा लगा। गुरु नानक दा साधुआं नूं प्रशादे छकाण वाला रूप ते सारयां नूं प्यारा लगा। गुरु नानक दा दानी रूप ते सारयां नूं प्यारा लगा। गुरु नानक दा कोडे राक्षसां तारन दा रूप ते सारयां नूं प्यारा लगा। गुरु नानक दा बख्शीशां वाला रूप ते सारयां नूं प्यारा लगा। पर गुरु नानक ने जदों धाणक रूप धार लिया ना डंडा फड़ लिया कहिंदे ओह धाणक रूप प्यारा लगा गुरु अंगद साहिब जी। बड़ी वड्डी
उस वेले में ध्यान से जो धानक रूप धारे ना फिर इको ही रह गए इको ही रह गए। तू नहीं जाता मेरा रूप वेख के मैं डंडे मारदा तू तावी नहीं। कह लगे जी वह भी रूप प्यारे सी यह भी रूप प्यारा है। भाई वीर सिंह ने लिखा मैं हैरान हो गया गुरु अंगद साहब हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा नानक की क्या जे वो तेन हम डंडे मार दिया तू तावी नहीं जाता लेने। ये भाई वीर सिंह ने लिखा बड़े प्यारे लफज गुरु अंगद साहब भाई लैणा जी को की कहें गुरु नानक तेरी कृपा नाल तेरी कृपा नाल जिन्ना मैनु तेरा थापड़ा प्यारा लगता उन्ना ही मैनु तेरा डंडा प्यारा लगता। असी हुण गुरु अंगद साहब के चरण धो धो के पीवीए जिन्ह ने सानू दस्या गुरु जिस रूप च भी चौज करे अंदरों विश्वास का दान गुरु नानक लई नहीं छड़ विसाओ दान भैन नानकी नूं ही मिले। और भैन नानकी जी दे विसाओ दान का उदों पता लगता जदों वेई नदी च चुभी मारी महाराज ने अलोप होए ने तीन दिन सारे कहिंदे सी गुरु नानक डुब गया मरदाना जी वह भी कहिंदे डुब गया। मैं कोल खड़ा कपड़े मेरे हाथ में आ चुभी मारी इत्थे करके आए नहीं बाहर डुब गए। एक भैन नानकी अंदर विसाओ दान सी कहन लगे ओ दुनिया के लोगो भाई मरदाना जी जेड़ा आप निरंकार गुरु नानक दुनिया नू तारण वाला है वह कभी डुब नहीं सकता। ये मेरा ख्याल गल समझ रहे हो गए भी विसाओदान होंगे कि यह विसाओदान